तो अभी जला रहे हम आग, सारी लकड़ियां तो गीली हो चुकी है, अब ऐसे ही जलानी पड़ेगी। सोलार महेश तो दोस्तों स्ट्रगल देखिए आप लोग, कितना कुछ करना पड़ रहा है। तो दोस्तों झमाझम बारिश हो रही है और हमारे भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये भी बिस्ट ग्रुप के हैं, इसलिए ये भी ऐसे दिख रहे हैं। तो अब खाने का मजा उठाने के बाद अब धोने का मजा भी उठाना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे और हमारे गांव के ऊपर से। तो आज हम जा रहे हैं जंगल में, लेकिन जंगल जाते जाते हमें बारिश शुरू हो चुकी है यहीं पे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आप बने रहिए वीडियो में। तो फिलहाल मेरे साथ है नम्मू होलदार भाई और बाकी भाई लोग आगे चले गए हैं, तो चलिए चलते हैं हम भी। तो लगभग 100 मीटर ऊपर आते ही हमें धूप भी लग चुकी है फिर से, और ये नीचे कुकड़ाई गांव आप लोग देख सकते हैं। आजकल चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। तो हमें लगभग जाना है 3-4 किलोमीटर ऊपर। तो अब आपको सीधे मिलेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम ज्ञातोली में, और बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी उमस के कारण हमें काफ़ी थकान लग चुकी है और पसीने से तर बतर हो चुके हैं हम। और ये हमारा ग्राउंड। तो आजकल काफ़ी हरियाली छाई हुई है इस मैदान पे भी, और आज हम काफ़ी कम लड़के आए हुए इधर पे। तो अभी खेल रहे हैं हमारे बिस्ट ग्रुप के को ओनर हमारे प्रियांशु लंबू भाई। ओ ये योगी भाई की काफी तेज तरार गेंदबाजी, और हमारे निकेश भाई ने 3 विकेट लिए खतरनाक खतरनाक 0-0 पे। वाओ ए भाई, हमारे ओनर कहाँ हट रहे हैं। ये आउट हो गए यहाँ पे। अब निकेश भाई को योगी भाई की बॉलिंग को झेलना पड़ेगा। अरमान वर्सेस होलदार, और होलदार लेफ्टी में भी मार रहे हैं अरमान पे। ओए बड़ा होलदार क्या ही बैटिंग कर रहे हैं। अरे चलो होलदार, अरे यार क्यों घूमने उमड़ो यार। अरमान काफी खतरनाक गेंदबाज हमारे गांव के बी सी डी टीम के। भाई भाई दोस्तों हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, और यहां पे लेंटा गांव वालों के भैंसे भी आ रखे हैं चरने के लिए। और अब हमारी तैयारी हो चुकी है आग जलाने की, अब बनाएंगे हम मैगी वगैरह। वाओ हमारे प्रियांशु भाई ने काट रखे हैं, मीठे हो रहे हैं। बिस्ट ग्रुप के को फाउंडर, थैंक यू प्रियांशु भाई। दोस्तों अभी जला रहे हम आग, सारी लकड़ियां तो गीली हो चुकी है, अब ऐसे ही जलानी पड़ेगी। सोलार महेश मेहनत मशक्कत के बाद अब आग जल चुकी है यहाँ पे। जिंदगी के मकसद में मकसद हासिल हो गया है जिंदगी का। अरे तो क्या है कि अभी बारिश लग चुकी है, अच्छी सी प्यारी सी बारिश देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी सी बारिश। और हमारी लकड़ियां हैं गीली, और ये है बुरांस के छाल, इनको जलाकर अब पानी गर्म कर रहे हैं मैगी के लिए। ये है आनंद जिंदगी का।
तो दोस्तों स्ट्रगल देखिए आप लोग, कितना कुछ करना पड़ रहा है। अब बना रहे हैं हम यहाँ पे मैगी, और आज हमारे साथ पहली बार रिसु प्रधान भी आए हुए हैं। पहली बार नहीं, पांच बार हो। तो दोस्तों झमाझम बारिश हो रही है और हमारे भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। मैंने पहना है योगी भाई का रेनकोट जादू वाला। देखिए काफी खतरनाक बारिश और उतना ही खतरनाक गेम प्ले। और यहाँ पे हमारे कारीगर लगे हुए हैं, होलदार 90 नंबर और रिसु प्रधान। थोड़ा मैगी दिखाओ। मैगी देखिए आप लोग, वाह ये क्या है, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे कुछ आ रखा है, ये पहचान में नहीं आ रहा है क्या है ये। अबे यार, तो दोस्तों ये भी बिस्ट ग्रुप के हैं इसलिए ये भी ऐसे दिख रहे हैं, हमारे जैसे दिख रहे हैं। आग नहीं जल रही है यहाँ पे। दोस्तों हम हैं 8 आदमी और 10 मैगी बनाई हमने। ये देखिए अब मसाले ऐड हो चुके हैं इनमें, तो अब मजा आएगा इसे खाने में। बस कुछ मिनट की देरी है अब खाने में, और यहाँ पे क्रिकेट तो चल ही रहा है। तो दोस्तों मैगी बन के रेडी हो चुकी है, और ये हमारा सारा सामान। अब यहाँ पे बन रही है करछी, यहाँ से ऐसे में काटना, फिर यहाँ से ऐसे लाना। ओ तो बड़ी बात है, तो ऑर्डर दो। डांडी काठियों का बीच पल्लू बता दियो। दोस्तों यहाँ पे ऋषभ भाई हमारे पतीले में खा रहे हैं। सबसे ज्यादा भूख लगी है ना। बिस्ट ग्रुप के को ओनर तो अब खाने का मजा उठाने के बाद अब धोने का मजा भी उठाना पड़ेगा। चल शाबाश। तेला मेरे को इसीलिए दिया गया था, बजाने के लिए, खाने के लिए बोल, बजाने के लिए। पतीला चकाचक कर दिया है हमारा, पतीला चकाचक कर दिया ऋषभ भाई ने। बहुत सुंदर, खाने में भी मजा और धोने में भी मजा। और मैंने जो कितना रखा है किसका, वही तो। तो अब हमारे निकेश भाई उड़ा रहे हैं ड्रोन, तो ये पोस्ट आपको मिलेगी इंस्टा पे। इनके इंस्टा को जरूर फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा। इतनी बारिश में भी ड्रोन लेके आए हैं, क्या ही जज्बा है हमारे निकेश भाई में। ओ भाई रईसी तो खानदानी है। तो ये ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे हम आपको। We'll be right back.
अब हो चुका है हमारा ड्रोन पैक, तो अब हम चलते हैं घर की ओर। क्या चलो फिर, मौसम फिर से खराब हो रहा है। 90 नंबर। दोस्तों फिर से खतरनाक वाला कोहरा लग चुका है जंगल के बीचों बीच, और अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। प्रीतम भाई मकसद पूरा करने के लिए बहुत रहा है, प्लानिंग है। हाँ। जिंदगी के मकसद में बहुत आगे जाने। और यहाँ पे हमें मिले हैं घिंगारू, तो इसे खा के हम पहले स्कूल में बाहर नहीं खाते थे, ऐसी मान्यता थी ऐसी हमारी। अब तो कहाँ, अब तो हम हमेशा मार ही खाते हैं। और कोहरा काफी बिनाकी के मैदान में। दोस्तों लगभग 4 बजे हम घर पहुंच चुके हैं, और अब हम जाएंगे थोड़ी देर में घूमने के लिए। क्या तो दोस्तों हम सही टाइम पे घर पहुंच चुके थे, क्योंकि उसके बाद लगातार बारिश ही हो रही है अभी तक। और फिलहाल मैं हूं निकेश भाई की शॉप पे, तो आपको दिखाता हूं बाहर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। तो ये देख सकते हैं आप, इतना खतरनाक होना लगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।